बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ शर्क नालम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकाई एंड एल्वियोली। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर के हम पार्ट्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे पास फेरिंग्स आया था, लेरिंग्स का कुछ पार्ट आया था और इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एनाटॉमी, तो उसमें भी हमने एक स्ट्रक्चर की यानी कि हमने जस्ट ट्रेकिया की एनाटॉमी पढ़ी थी। आज हमने देखना है ट्रेकिया आगे फर्दर कहाँ डिवाइड होता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो ट्रेकिया का, वो ब्रोंकाई होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकाई। हम देखेंगे कि ब्रोंकाई होता क्या है, कैसे डिवाइड होता है और क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर इसके एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखते हैं कि एयर हमारे लंग्स में कैसे जो होते हैं वो एंटर हो रही होती है। सबसे पहले हम नाक के जरिए सांस लेते हैं, तो फेरिंग से गुजरती हुई जाती है, यानी कि फेरिंग से जो हमारा हलक या गले वाला हिस्सा होता है लेरिंग्स में आ जाती है। ठीक है, लेरिंग्स क्या होता है, हमारा वोकल कॉर्ड जहाँ पे होते हैं, जिसे हम आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है आवाज़ को पैदा करता है या वो हमारी वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है, हवा की नाली या जिसे हम सांस की नाली कहते हैं। ट्रेकिया आगे तकसीम हो जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो है आगे एल्वियोली में तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेकिया से पहले तक पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के दो फंक्शन के लिहाज से दो जोन्स बताए थे, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन, जो हमारे नोज से लेके ट्रेकिया तक के पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ये हमारे कंडक्शन जोन्स कहलाते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या है, यानी कि ये एयर को पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बस हवा को आगे पहुंचाना है। तो नोज से लेके ट्रेकिया तक के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे कंडक्शन जोन में आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे, जिसमें हमारे ब्रोंकाई आ जाते हैं, ब्रोंकाई उसमें जो तकसीम होते हैं, एल्वियोली आ गए, ये वाले पार्ट जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी जोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। हवा में मौजूद जो गैसेस होती हैं वो खून में यहाँ पे शिफ्ट की जाती है एल्वियोली में, या ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पे जो है वो हवा को जो है एक्सचेंज किया जाता है जिसमें मौजूद गैसेस होती हैं। अब देखते हैं आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, ट्रैक के तक हमने पढ़ लिया था और आप सब इसके आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाई। बेसिकली ब्रोंकाई होते क्या हैं, हम कह सकते हैं कि एयर पैसेजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, दे अलाउ एयर एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू आवर लंग्स, यानी कि ये हमारे हवा को जो है माहौल से या हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है उससे जो होता है हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ट्रेकिया है हमारा, हमने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है, ट्रेकिया तक हमने पढ़ लिया था। ट्रेकिया का क्या था, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज रिंग टाइप के कंसिस्ट कर रहा था स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, आगे हमने देखा था एक ट्रेकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, टू साइड्स में, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ब्रोंकी एक सिंगल होगा तो ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट अगर हम कंबाइन बोलेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये ट्रेकिया था, ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो रहा था। अगर हम इसको, ये वाला पार्ट जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, जो कि हमारे थोरेसिक जो था वर्टिब्रा, उसका फिफ्थ वर्टिब्रा था, वहां से डिवाइड हो रहा था। इस पॉइंट को हमने कैरिना का नाम दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, ये वाला कैरिना का पॉइंट का नाम दिया, जहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट और राइट, यानी कि दाया और बाया हिस्सा में हमारे पास ट्रेकिया अब तकसीम हो गए। तकसीम होने के बाद जो ये दाया पार्ट, लेफ्ट और राइट जो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो में आ गए, जो तकसीम होने के बाद ये ब्रोंकाई बनाते हैं, यानी कि राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई जो होते हैं आगे मजीद जाके जो होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया जो होता है वो ब्रोंकाई में तकसीम होता है, बाहर ब्रोंकाई होता है, अंदर जाके ब्रोंकाई जो होता है
वो आगे मजीद साख्तों में तकसीम हो जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में तकसीम होते हैं ये देख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो ब्राउन कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, जैसे ही ट्रेकिया तकसीम हुआ है दाएं और बाएं में, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी जो है ब्रोंकाई, ठीक है, इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है आगे तकसीम होता है सेकेंडरी में, ठीक है, और सेकेंडरी आगे जाता है टर्शरी में। तीन तरह के ब्रोंकाई हो गए हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। जैसे ही ट्रेकिया तकसीम हुआ है लेफ्ट एंड राइट में, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी। ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास प्राइमरी है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो आपको ब्लू में दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी के फौरन बाद प्राइमरी जो डिवाइड होके वो क्या बनाता है, ये हमारे पास सेकेंडरी बनाता है, सेकेंडरी, ठीक है। और जो आगे इसके बाद आपको दिख रहा है वो क्या है, वो हमारे पास ये जो आगे ये वाला है आपको थोड़ा सा लाइट पर्पल सा जो शेड दे रहा है, ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और जो ब्लू में आपको ये दिख रहा है ये हमारे पास जो होगा वो टर्शरी होगा, यानी कि अब हमारे पास थ्री टाइप के जो होते हैं वो ब्रोंकी आगे, जैसे ट्रेकिया डिवाइड होते हैं वो प्राइमरी बनाते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाता है, ये जो आपको पर्पल में नजर आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा होगा हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी आगे जो होता है वो तकसीम हो जाता है टर्शरी में, लास्ट वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, ये आपको ये वाला, ठीक है, इसको हम टर्शरी बोलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये इसके पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट है कि जो टर्शरी है वो फिर आगे फर्दर जो है वो बनाता है ब्रोंकाइओल्स, ठीक है, टर्शरी जो है हमारे पास ब्रोंकाइओल्स बनाते हैं। ये वाला हमारा जो मेजर है, एक एक जो साख्त आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी है, ये जो आगे आपको फर्दर तकसीम होती दिखाई दे रही है सेकेंडरी है, इसके बाद ये जो ऊपर वाले ब्लू पार्ट्स हैं ये सारे टर्शरी में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट के जो सिरे होते हैं जो टर्शरी आगे फर्दर जो है वो ब्रोंकाइओल्स में तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। हम ब्रोंकाइओल्स को जो है वो सेगमेंटल जो है वो ब्रोंकाई भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्ट होता है। ब्रोंकाई जो होते हैं आगे ब्रोंकाइओल्स में छोटी छोटी जो नालियां होती हैं उनमें तकसीम हो जाती हैं। और ब्रोंकाइओल्स के आगे आप लोग अगर यहाँ देखें तो ये एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एयर सैक्स जिसे हम कहते हैं, हवा की थैलियां, एल्वियोलाय, ये मौजूद होते हैं जो हमारे ब्रोंकाइओल्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये जो है ये हमारे अगर आप डायग्राम को देखें, ये हमारे दो लंग्स हैं, ठीक है, यानी कि फेफड़े हैं जो हमारे ट्रेकिया का तकसीम होने का बाहर का है, ठीक है। ब्रोंकाई ये तो हमारे फेफड़ों से बाहर होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं वो हमारे फेफड़ों से बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई ये हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ब्रोंकाइओल्स में जो तकसीम होते हैं, यानी कि सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइओल्स, ये हमारे फेफड़ों में मौजूद होते हैं, ठीक है, और साथ में एल्वियोलाई भी, ये सारा हमारा फेफड़ों का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये आपको दिखाया गया है कि दो फेफड़े हैं, ठीक है, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनको हम लोब्स कहते हैं। दायां फेफड़ा जो होता है वो थोड़ा सा जो होता है वो लंबाई में जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और लंबाई में कम होता है, चौड़ाई में बाएं की निस्बत ज्यादा होता है। इसकी रीजन क्या होती है, बायां जो होता है वो चौड़ाई में कम होता है, क्योंकि बाएं फेफड़े के करीब जो होता है वो हार्ट पड़ा होता है इस जगह में, ठीक है। और आप अगर ये डायग्राम में देख रहे होंगे तो जो राइट लंग है हमारा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट है इसमें दरम्यान में थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, यहाँ पे हमारा इन दोनों के दरम्यान में हमारा हार्ट पड़ा होता है, ठीक है, और हमारे जो लंग्स हैं ये रिब्स, इनको हमारी पसलियां उन्होंने कवर किया होता है, हमारे दिल की और फेफड़ों की हिफाजत के लिए जो है वो पसलियां मौजूद होती हैं, इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास हार्ट पड़ा होता है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है। सबसे पहले ट्रेकिया जो है वो थ्री टाइप्स के स्ट्रक्चर में तकसीम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, और ब्रोंकाई में। फिर टर्शरी ब्रोंकाई के आगे जो होते हैं ब्रोंकाइओल्स बनते हैं, और वो ब्रोंकाइओल्स के आगे एयर सैक्स, यानी कि हमारे पास एल्वियोलाई जिन्हें हम हवा की थैलियां कहते हैं, वो पड़ी हुई होती हैं। और एक चीज और नोट करने की आप लोगों के लिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ट्रेकिया में कार्टिलेज होते हैं, प्राइमरी में भी होते हैं, सेकेंडरी में, टर्शरी, ब्रोंकाई में, इन सब में कार्टिलेज मौजूद होता है, लेकिन हमारा जो ब्रोंकाइओल्स है इनमें कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। इसकी रीजन क्या होती है, कार्टिलेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसने जो लार्ज बोन है उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है और उनको सपोर्ट देनी होती है, ठीक है। जो हमारी ब्रोंकाइओल्स होती है स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, ताकि हवा जब आती है और जाती है तो ये सुकड़ते और फैलते हैं, तो इसलिए जो हमारे लंग्स हैं
वो आगे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे हम सांस लेने का अमल हो रहा होता है, फेफड़े कैसे सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो हवा अंदर और बाहर जा रही होती है। इसके बाद ये एक चीज और जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसके अकॉर्डिंग से आपको याद रखनी है, वो ये कि जैसे जैसे ये अंदर लंग्स की तरफ दाखिल हो रही होती है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सबसे मोटी होती है, सेकेंडरी थोड़ी कम हो जाती है और टर्शरी जो होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, ब्रोंकाइयोस का साइज उससे कम हो जाता है, उसके आगे एक तरह से जैसे कि गुच्छे की शक्ल में जो होते हैं लास्ट में जो ब्रोंकाइयोस होते हैं उसके एंड पे सिरों पे जो होते हैं वो एल्वियोलाई या जिन्हें हम हवा की थैलियां कहते हैं वो मौजूद होती है, ठीक है, जहां से जो है वो गैसेस जो है वो हम ऑक्सीजन जो है वो खून में दाखिल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं से ले जाया वापस जाता है ताकि हम जिस्म से बाहर इसको निकाल सकें। जनरल कंसेप्ट था ये, आगे देखते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, डायग्राम, ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है, ठीक है। ट्रेकिया जो होता है इसमें ये हमारी ब्रोंकाई की एनाटॉमी का एक जो थोड़ा सा ओवरव्यू है। ट्रेकिया जो डिवाइड होता है हमारे पास ब्रोंकाई में, ठीक है, कौन से ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है राइट साइड का, वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट तकसीम हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई भी जो होता है, लेफ्ट वाला भी, वो भी सेकेंडरी में जो होता है वो तकसीम हो जाता है, ठीक है। टर्शरी का वर्ड तीसरे के लिए यूज होता है साइंस में, ठीक है, तो टर्शरी जो सेकेंडरी है वो फिर टर्शरी में तकसीम हो जाता है, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी, ठीक है, तो दोनों साइड्स के मिलके ब्रोंकाइयोस बनाते हैं। ब्रोंकाइयोस क्या बनाते हैं, आगे उनके आगे मौजूद होती है एयर सैक्स यानी कि एल्वियोलाई। एक चीज और नोट करने की है इस डायग्राम में, अगर आप लोगों ने देखा हो जो आपको मैंने दिखाई है, कि इस साइड पे जो है ये थ्री है पार्ट्स, ठीक है, और इस साइड पे जो है ये टू है, जो हमारा राइट और लेफ्ट लंग है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जो राइट लंग है उसमें थ्री जो होते हैं वो हमारे पास लोब्स होते हैं, जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें बस टू लोब्स होते हैं। अगर आप ये देखें ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो हमारी लेफ्ट लंग है इसमें बस एक ही ये लाइन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लोब्स, यानी कि हमारा जो बायां फेफड़ा है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक दो, लेकिन दाएं अगर फेफड़े को देखो तो यहाँ पे हमारे पास टू लाइन्स हैं, एक ये जो शोरी है, दूसरी ये वाली जो ऊपर को शोरी है, ठीक है, तो इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसी वजह से जो है हमारा प्राइमरी आगे सेकेंडरी को तीन हिस्सों में तकसीम करता है, एक अपर, मिडल और लोअर पार्ट में, ठीक है, और जबकि हमारे पास लेफ्ट लंग जो होता है उसमें हमारे पास बस अपर एंड लोअर पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो लोब्स ही होते हैं, ठीक है, जो अपर वाला है वो ऊपर वाले लोब को सप्लाई करता है और जो नीचे वाला होता है वो लोअर पार्ट जो पार्ट है उसको वो करेगा सप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास ये हो चुका था आप लोगों का फ्लो चार्ट, देख लेते हैं आप लोगों की बुक में कैसे लिखा हुआ है, आप लोगों ने राइट कैसे करने से। ब्रोंकाई अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो यही है कि एयर पैसेज होता है विच अलाउ द एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम एनवायरमेंट टू लंग्स, ठीक है, जो कि हमारे माहौल से लेके कहाँ पे हमारे लंग्स में लेकर आते हैं, आगे लोकेशन कहाँ होती है, द ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय बाय फर्केशन ऑफ ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, कहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं, बाय फर्केशन का क्या मतलब होता है, यानी कि तकसीम करके, जो हमारे ब्रोंकाई है उनको अगर हम थोरेसिक रीजन कौन सा था, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे वर्टिब्री होते हैं फिफ्थ नंबर पे पीछे से उस पे जाके तकरीबन दो हिस्सों में हमारा जो है वो तकसीम हो रहा है, कौन कौन से, और या हम इसको सिंपल यू भी कह सकते हैं कि ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेन जो होता है वो ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, ठीक है, लेफ्ट वाला जो वो हमारे पास लेफ्ट लंग में चला जाएगा और जो हमारे पास राइट ब्रोंकाई है वो हमारे पास राइट लंग में चला जाएगा। प्राइमरी के बाद वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लंग्स में यानी कि हमारे फेफड़ों में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाइयोस, ठीक है, ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू दी ब्रोंकाइयोस, आगे ब्रोंकाई हमारे पास डिवाइड होकर ब्रोंकाइयोस बना लेते हैं। इसके बाद है एल्वियोलाई, ब्रोंकाइयोस के बाद एल्वियोलाई मौजूद होते हैं जिन्हें हम हवा की थैलियां भी कहते हैं, ब्रोंकाइयोस डिवाइडेड इनटू दी एल्वियोलाई। नेक्स्ट है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट
that are in close contact with the capillaries, where the blood comes into almost indirect contact with air. हर एल्वोलाई में जो है वो हजारों की तादाद में जो है कैपिलरीज मौजूद होती हैं. कैपिलरीज क्या होती हैं? हमारी खून की जो होती हैं वो सबसे बारीक तरीन नालियाँ होती हैं, जो कि हमारी गजाइत और ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस के एक्सचेंज, दूसरी गैस में कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज यानी कि तबादले में का काम करती हैं, जहाँ पे ब्लड कहते हैं कि ऑलमोस्ट हवा के साथ आके मिल जाता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि कैपिलरीज हमारी बहुत ही बारीक नालियां होती हैं, इस वजह से वहां पे जो है इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं. अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वाला पार्ट जो है हल्का सा लाइट ग्रे सा, ये ब्रोंकाइटिस को इस वाले पार्ट को शो करा जो आज हमने रीड आउट किया. एक दफा मैं लेक्चर को समराइज कर देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या रीड किया. हमने आज रीड किया एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकाई, बहुत सिंपल सा है. इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि ट्रैक क्या डिवाइड होता है टू पार्ट में या बाइफर्केट होता है टू में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर जो फर्दर डिवाइड होते हैं वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी जो होता है वो टर्शरी में, टर्शरी ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रोंकाइओल्स बनाते हैं. ब्रोंकाइओल्स जो होते हैं वो एल्वियोलाई या जिसे हम एयर सैक कहते हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं. यहाँ से जो होता है वो हवा और जो हमारे पास इसमें मौजूद गैसेस होती हैं उनका ट्रांसफर या एक्सचेंज किया जाता है. और लोकेशन के लिहाज से आप लोगों ने बताना है कि कहाँ पे होता है. जो ट्रेकिया है वो हमारा वर्टिब्रा, फिफ्थ वर्टिब्रा होता है थोरेसिक रीजन में, वहां पे डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है. और पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम क्या कह रहते हैं, कैरिना कह रहते हैं. बस सिंपल सी ये एनाटॉमी है इसकी, इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी राइट नहीं किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.